गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हो गया उसमें सभी लोग जख्मी और कई लोगों की मृत्यु हो गई है। मध्य प्रदेश के सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस पर धारा शब्द जसुद्दीन से मोहम्मद जावेद पेरजाद और इमरान खेड़ावाल म्यूनसिपल काउंसिल अकबर भाई भट्टी अहमदाबाद से मोरबी के लिए गए और वहां पर ताजा स्थिति एवं हॉस्पिटल का दौरा करके सभी घायलों का और मृतकों का जो है परिवार से उन्होंने उन लोगों के परिवार से मुलाकात की। मैं अभी डीसीपुरा में बैठा हूँ जिसमें कि अधिकांश म्याना कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कि मुस्लिम समाज के हैं और मछली का काम करते हैं। जैसे इनको मालूम पड़ा कि ऐसी दुर्घटना हुई है लगभग 7:45 बजे ये दौड़ के ट्यूब वगैरह लेके पहुंच गए। फिर उनको लगा कि इसमें ट्यूब से काम नहीं चलेगा, नाव चाहिए। तो फिर यहाँ हसन भाई बोट वाले, इनके पास एक बोट थी तो ये अपनी बोलेरो में बोट रखकर वहाँ गए और बोट से लगभग 30-35 बॉडी जिन्होंने निकाली। मैं इन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ जिन्होंने संकट के काल में ये नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सबके लिए सेवा। मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर ऐसे लोग हैं, यही हमारे भारत की हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मैं आप सबके लिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इलाका जब कल ये बहुत ही कम नसीब दुर्घटना हुई उस वक्त में मकरानीवास से मुस्लिम समाज के 50 से ज्यादा लड़के नदी में कूद करके उन्होंने लोगों की जान बचाने की बहुत ही जबरदस्त जद्दोजहद की और कई लोगों की जान बचाई। और इसी परा जो घटना स्थल से 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से भी 50 लड़के दौड़ करके गए। बोर्ड बनाने वाले लोग थे उन्होंने म्याणा समाज के लोग दौड़ करके गए और उन्होंने जो अपनी बोट थी बोट को भी किसी वाहन में ले जा करके वहाँ पहुंचे और 25 से लेकर लगभग उन्होंने 25 बड़ों की और 10 बच्चे यानी 35 से 37 लोगों की जो थी डेड बॉडी को बाहर निकालने का काम किया। आज यही हम कहना चाहेंगे, सही मानों में यही भारत जोड़ो है, सही मानों में यही सच्चा हिंदुस्तान है कि हिंदू मुस्लिम एकता अगर देखनी हो तो स्वराज में देखने के लिए मिलती है। और स्वराज ने एक मरतबा फिर से ये एग्जाम्पल दिया है और मोरबी के मकरानीवास के लोगों ने, बीसीपुरा के जो म्याणा समाज के लोगों ने जो कल जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम दोनों की जान बचाई और हमें पता चला कि कुछ हिंदू समाज के भी जो लोग थे कांग्रेस पार्टी के अहदेदार थे वो भी पानी में कूद करके उन्होंने भी लोगों की जान बगैर किसी धर्म जाति को देख करके बचाई। मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई इंसानियत का मानवता का उदाहरण हो नहीं सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको यही